हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है टेक टॉक्स बाय देव के एक और फैस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लेके आया हूँ एक और अनबॉक्सिंग, जो कि है अमेजिंग अनबॉक्सिंग एप्पल आईपॉड प्रो का। और दोस्तों आईपैड प्रो है जो ये 2018 वाला वेरियंट है, जो कि है 12.9 इंची वाईफाई प्लस सेलुलर मॉडल। और दोस्तों आप लोग सोचते हो कि मैं एप्पल के जो डिवाइस लॉन्च होते हैं उन पर मतलब बहुत हेट देता हूँ, पर इसका मैं अनबॉक्सिंग क्यों लेके आया हूँ, मैं इतना एक्साइटेड क्यों मेरी आवाज़ से लग रहा है। और दोस्तों ये 1 TB वाला वेरियंट है दोस्तों, इसका रीज़न यही है, ये जो मतलब ये जो चीज़ है एप्पल आईपैड प्रो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल वर्थफुल चीज़ है। इसके जो प्राइस है USD में दोस्तों ये $1900 के आसपास है। और दोस्तों मतलब इतनी ज़्यादा प्राइस देने के बाद भी हमें एक जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ये देखने को मिलता है, और पहली बार मैं किसी एप्पल के प्रोडक्ट को वैल्यू फॉर मनी कह रहा हूँ। जो मतलब लैपटॉप वगैरह तो होते हैं वो तो वैल्यू फॉर मनी होते हैं, पर जो एप्पल के जितने भी आईफोन्स आते हैं फोन्स आते हैं वो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं होते हैं। पर दोस्तों ये वाला जो डिवाइस है बिल्कुल मतलब एकदम वैल्यू फॉर मनी है, और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा यूजफुल भी साबित होने वाला है, स्मूथ हमें देखने को मिलता है। दोस्तों इसके अनबॉक्सिंग में ऊपर ही हमें ये आईपैड देखने को मिलता है, नीचे कुछ सिम इजेक्टर टूल और एप्पल के कुछ स्टिकर्स देखने को मिलते हैं एप्पल फैंस के लिए। और दोस्तों तो पहली बार एप्पल ये काम कर रहा है अपने iOS के साथ में, हमें एक टाइप सी वाला चार्जर दे रहा है, जो 19 वाट वाला टाइप सी कनेक्टर और जो टाइप सी टू टाइप सी चार्जर देखने को मिलता है, जो कि एप्पल के डिवाइस हमेशा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, पर फास्ट चार्जर हमें नहीं मिलता है। दोस्तों इसके साथ फास्ट चार्जर भी मिल रहा है, जिसके थ्रू हमारे जो आईपैड वो फास्ट चार्ज हो जाएगा। एक बड़ी बैटरी इसके अंदर है, जिसके साथ में हमें बड़ी बड़ा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ में हमें कोई भी टाइप के ईयरफोन्स देखने को नहीं मिलते हैं। अब दोस्तों इसका जो रैप रिमूव करने के बाद में जो इसका कलर है दोस्तों स्लेट ग्रे वाला, दोस्तों वो बहुत ही अच्छी लुक देने वाला है, कुछ वैसे ही जैसे कि एप्पल मेकबुक प्रो का कलर है, कुछ वैसे ही कलर में इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर दोस्तों चेन बेजल्स जो कॉर्नर्स वो सब बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए हैं, और दोस्तों एप्पल चाहता था इन्हें हटा भी सकता था, पर दोस्तों इसके इतने बड़े डिवाइस के अंदर मतलब 13 इंचज़ के इस डिवाइस के अंदर अगर इन चीज़ों को हटा दिया गया तो उसके बाद में एक ही चीज़ होगी, इसकी स्क्रीन बीच में वैसे कहीं ना कहीं से टूट जाएगी। और दोस्तों ये चेन बेजल है, इन्हें से दोस्तों स्क्रीन को सपोर्ट दिया गया है। अब दोस्तों नीचे की तरफ हमें टाइप सी कनेक्टर और दोस्तों ये जो स्पीकर ग्रिल देखने को साइड में मिल जाती है, ऊपर की तरफ हमें वॉल्यूम रॉकर और जस्ट एकदम ऊपर की तरफ हमें इसका जो पावर अनलॉक की बटन है वो देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू हमें इसे टर्न ऑन कर लेते हैं। और दोस्तों इसके अंदर हमें जो एप्पल की ट्रेडिशनल पेंसिल है उसका भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसके थ्रू मतलब बहुत ही ज़्यादा ये मैग्नेटिक तरीके से अब दोस्तों इसे टर्न ऑन करती है, फेस आईडी को रजिस्टर करने का ऑप्शन दे रहा है, जिसके थ्रू हम अगर फेस आईडी को रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा स्मूथ सिक्योर हो जाता है, और इसमें हमें सीरी का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि एप्पल की खुद की जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसका। और दोस्तों अब इसके कीबोर्ड की बात करें तो इसका कीबोर्ड मतलब बहुत ही स्लिम और अच्छा कीबोर्ड हमें इसके सामने देखने को मिलता है, जिसके सामने एक टेक्टाइल बहुत अच्छी फील आने वाली हमें। और दोस्तों इसे लगाने के बाद हम इसे लैपटॉप की तरह यूज ले सकते हैं, और एज यूजल ये मतलब लैपटॉप की तरह काम भी कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी एक अच्छा प्रोसेसर अच्छा हार्ड ड्राइव और सब कुछ देखने को मिलता है, जिसके थ्रू हमें इसमें फास्ट यूज ले सकते हैं, अपने जो वीडियोज़ की एडिटिंग है वो भी सही से कर सकते हैं, मतलब ये कि यूट्यूबर हो आप क्रिएटर हो तो, और फिर कुछ भी कंटेंट अच्छे से देख सकते हैं बड़ी डिस्प्ले तो। अब दोस्तों इसका जो 12.9 इंच वाला वेरियंट उसके अंदर दो ही कलर अवेलेबल है, एक ग्रे और ये दूसरा वाला। और दोस्तों जो 11 इंच वाला उसके अंदर हमें एक पिंक कलर एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसके मतलब कीबोर्ड की बात करें ना, हालांकि ये फिजिकल कीबोर्ड की तरह बड़ा मतलब जो बल्कि या फिर जो की मतलब की दबाने पे वैसा साउंड हमें नहीं आने वाला है, पर दोस्तों मतलब ये एक अच्छा कीबोर्ड है। और दोस्तों इसे कनेक्ट करने के लिए हमें नॉर्मली जो अपना आईपैड है उसे मतलब बूट कर देना है, ये जो इसका जो मैग्नेटिक डॉक है उसके ऊपर ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा थोड़ा सा पास में लेके जाने पर ही। और दोस्तों मतलब जैसे ही हम इसे बंद करते हैं तो अपने आप लॉक भी हो जाएगा, और इसे अलग अलग एंगल पर शिफ्ट करने के भी हमें यहाँ पर स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, और जिसके थ्रू वो कनेक्ट करने के बाद में ईजिली इसे लैपटॉप की तरह यूज़ ले सकते हैं, और इसमें हम फेस आईडी से भी और इसी कंडीशन में हम इसे फेस आईडी से भी अनलॉक कर सकते हैं, और जो पासवर्ड है ट्रेडिशनल अपने वो लगा के भी अनलॉक कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ में इसमें पेंसिल का भी जो एप्पल की पेंसिल उसका भी सपोर्ट मिलता है, तो उसके लिए हमें साइड में एक स्लॉट देखने को मिलता है, जिसके थ्रू हम यहाँ पर एप्पल की जो पेंसिल है वो भी यूज़ ले सकते हैं। और दोस्तों इसका जो कीबोर्ड है मैंने आपको पहले बताया फिजिकल कीबोर्ड की तरह नहीं है, पर जो इसका मतलब कीबोर्ड है वो हमें पूरी ट्राई करता है हमें फील देने की कि हमें थोड़ी ऐसे फील आ जाए कि हम एक फिजिकल कीबोर्ड का यूज़ ले रहे हैं। और दोस्तों हालांकि यहाँ पे साउंड देखने को नहीं मिलता है, पर जो प्रेशर है वो हमें उतना ही देखने को मिलेगा जितना कि एक फिजिकल कीबोर्ड में देखने को मिलता है, चाहे कि हमें यहाँ पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा पर हमें फील भी देखने को मिलेगी वैसी। और दोस्तों जो ये पेंसिल आईफोन वाली मतलब जो आईफोन नाम हो गया एप्पल वाली, तो उससे एप्पल की जो पेंसिल है ये मतलब ये साइड में लगाने पर अपने आप कनेक्ट हो जाएगी मैग्नेटिक, ये भी हमें मैग्नेटिक देखने को मिलती है, और 10 सेकंड के कनेक्शन के बाद में ये आधे घंटे तक हम इसे यूज़ ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्तों बैटरी लाइफ इसकी हमें देखने को मिलती है, जो हाफ एन आवर की इसकी बैटरी लाइफ है वो दोस्तों इसके 10 सेकंड कनेक्ट करने के बाद में हमें हाफ एन आवर की इसकी बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी, और बहुत ही स्मूथ ये यूज़ करने में बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और सॉफ्टवेयर एकदम कंफर्टेबल है, जिसके थ्रू हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, और दोस्तों इजीली इसके थ्रू ही हम अपने डिवाइस को एकदम अच्छे से अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे, और दोस्तों
अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये मैग्नेटिक है तो गिरेगी नहीं, इसका भी कोई चिंता नहीं है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब तो अभी तक आप लोगों ने कर दिया है, पर दोस्तों पिछली कुछ वीडियोस देख के आ जाओ, क्योंकि मैं आप अगर एक क्रिएटर हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक टीचर हो, आप कुछ भी हो, आपका कोई भी कैरेक्टर आपके लिए मतलब बहुत अमेजिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। और दोस्तों मिलते हैं किसी और एक और अमेजिंग वीडियो में, तो उसके लिए भी टाइटल कमेंट सेक्शन में बता दो और बताओ आपको क्या देखना पसंद आएगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो आप अगर इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लो, मेरे जो इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो जितने भी गिवअवे के अनाउंसमेंट वगैरह वो भी आप सबको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएंगे।